हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे और अपनी कक्षा 10 की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम पूरा का पूरा जो वन शॉट रिवीजन होता है ना, वो आज हम करने वाले हैं। कौन से चैप्टर का करेंगे? तो हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे पूरे लेक्चर में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कवर करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो बस आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो कहानी है वो कहां से स्टार्ट होगी? हमारी कहानी स्टार्ट होगी चार्ज से। भाई चार्ज तो सभी को मालूम होता है, क्या होते हैं भाई चार्जेस? तो ये जो चार्ज है, चार्ज से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। चार्जेस पढ़ेंगे हम, उसके बाद चार्जेस के बाद पढ़ेंगे कि भाई चार्जेस जो फ्लो होते हैं उससे क्या आता है, करंट निकल के आता है। तो करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, अब आप बताओ भी कि ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ की भी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो ओम्स लॉ हो जाएगा, उसके बाद हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, सिस्टमैटिक नहीं लिख रहा हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे सर लिख रहे हैं, भाई यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिक करंट में, उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्लो ऑफ करंट इन मेटल, किसी भी मेटल में करंट का फ्लो किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक सिंबल, भाई आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हो, सिंबल की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है, क्यों रेजिस्टेंस होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्या ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि क्या है, इन तमाम चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद फाइनली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जिसपे कि बहुत सारे नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल बनते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। तो ये छोटे छोटे 10 टॉपिक मैंने आपके सामने दिखाए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भी चार्ज क्या होता है। अब आपको भी मालूम है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी किससे मिलकर बनी है, तो इलेक्ट्रॉन से बनी है, प्रोटॉन से बनी है, न्यूट्रॉन से बनी है, यानी कि जाहिर सी बात है वो बॉडी किससे बनी है, छोटे छोटे एटम्स के, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब आपको भी मालूम है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर काटते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। और सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया तो साथ में क्या है, प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस में होता है, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज होता है जो कि क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि चार्ज है क्या। तो चार्ज किसी भी बॉडी की, यानी कि किसी भी बॉडी की, चाहे कोई बॉडी हो, चार्ज क्या है, उस बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहां पे क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्या लिखा है भाई, इस चीज को थोड़ा सा हम इधर करते हैं और इधर पे आते हैं। चार्ज क्या है भाई, हाँ, तो यहां पे जो चार्ज है, चार्ज क्या है, इस चीज की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्ज क्या है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फेनोमेना इज कॉल्ड चार्ज। मतलब कोई भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को बोलते हैं हम चार्ज। यानी किसी फील्ड पे किसी भी चार्ज को रख दो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर कोई चार्ज रख दिए जाए तो वो फोर्स फील करे, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है।
चार्जेस दो टाइप के होते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये है कि ये किसी भी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि भाई ये चार्ज है। चार्ज दो टाइप के होते हैं भाई। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? एक दो टाइप के। एक तो होता है भाई पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। चार्जेस दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव किसकी वजह से है? तो पॉजिटिव भाई प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पी, पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो हो गया पॉजिटिव, तो बचा क्या? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो निगेटिव। ठीक है, दो ही टाइप के चार्ज होंगे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव किसकी वजह से भाई? प्रोटॉन की वजह से। और निगेटिव किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जानना बहुत आवश्यक है। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज क्या है? एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करता है भाई? तो यह रिपेल करता है, ये चाहेंगे कि एक दूसरे से दूर चले जाए। ये दो पॉजिटिव चार्ज अगर रख दोगे तो ये चाहेंगे कि एक दूसरे से क्या हो जाए? दूर चले जाए। निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रख दोगे तो ये भी कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से क्या चले जाए? दूर चले जाए। बट एक पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा एक निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के पास आ जाए। ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो सेम टाइप के चार्ज है, लाइक चार्ज है, वो एक दूसरे को भाई रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? इस बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है भाई? तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें क्या होगा? कैसी क्वांटिटी भाई? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि नॉर्मली हम इसको ऐड कर सकते हैं, वेक्टर सम करने की आवश्यकता नहीं है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल सी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, चार्ज कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसका नेचर कैसा है? एडिटिव है। जैसे यहां पे दो कूलाम, पांच कूलाम कितना हो गया? सात कूलाम, और इसमें माइनस कर दिया तीन कूलाम तो कितना आ गया भाई? चार कूलाम यहां पर आपके सामने आ चुका है। चार्ज कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि इनकी कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी है। ये इंटीजर क्वांटिटी होती है, इंटीजर में होते हैं चार्जेस, कभी भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी नहीं होती कि भी चार्ज को आधा आधा इलेक्ट्रॉन ले आओ मुझे दे दो, आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन होगा तो एक होगा, दो होगा, चार होगा, पांच होगा, आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है कि आपके पास आधा इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो चार्ज कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। दिस इज द चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो Q इज इक्वल टू एन ई। अब इस चीज को समझना बहुत आकर्षक है कि ये Q इज इक्वल टू एन ई क्या है, किसकी बात की जा रही है? Q इज इक्वल टू एन ई की। तो ये क्या है Q इज इक्वल टू एन ई? देखो, Q मतलब होता है कोई भी बॉडी है तो उसमें टोटल चार्ज जितना होता है वो होता है Q। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, दैट इज Q। N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि यहां पे निगेटिव रख लो, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो मैं बोलूंगा कि एक काम कर लो भी, यहां पे रख लो पॉजिटिव। तो यहां पे Q क्या है भाई? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है?
तो बेसिक चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो जो बेसिक चार्ज है वो कितना होगा 1.6 × 10⁻¹⁹, तो यहां से जैसे ही आप ए की वैल्यू रखोगे कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपको मालूम है तो आप उस बॉडी पे कितना चार्ज है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद चार्ज क्या है भाई, कंजर्व है। कंजर्व का मतलब ना तो क्रिएट करना तुम्हारे बस में है ना तो इसको डिस्ट्रॉय करना तुम्हारे बस में है, यानी कि इस यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो एज इट इज है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है जी। इसके बाद हम बात आते हैं करंट की। तो भाई जो चार्ज, अभी चार्ज है रेस्ट में, तो जो चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्या करता है, करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो द अमाउंट ऑफ फ्लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। यानी कि करंट बेसिकली क्या है, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं भाई, तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, करंट है। तो करंट है तो अच्छी बात है, करंट है तो होना भी चाहिए, करंट तो जरूरी भी है। अगर करंट नहीं होगा तो सारी चीजें चलेगी नहीं, ये करंट तो सबको जरूरी है ना, तो करंट तो होना बहुत आवश्यक है भाई। देखो तो ये हो गया द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, पर यूनिट टाइम क्या हो गया आपका करंट। करंट को साधारण सी डेफिनेशन याद रखनी है आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जाहिर सी बात है कि क्यू क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सभी को याद हो जाना चाहिए। मैंने अभी बताया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो अगर आपको डायरेक्ट Q गिवन नहीं है तो आप Q निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हो ना। इसके बाद अगर बात की जाए, देखो अब यहां पे देखो I क्या है, करंट है, करंट और Q क्या है, चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। समझ में आई बात। तो अगर मैं करंट को लिखूं, करंट की एसआई यूनिट बेसिकली क्या होती है, एम्पियर। तो करंट को अगर मैं 1 एम्पियर लिखूं, चार्ज को 1 कूलाम लिखूं और टाइम को 1 सेकेंड लिखूं, तो मैं क्या 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकता हूं। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी कि 1 कूलाम चार्ज अगर पर सेकेंड फ्लो करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसमें जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो कितना करेगा, 1 एम्पियर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि भाई यहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो यहां पे ज्यादा करंट है, और यहां पे कम चार्जेस हैं तो यहां पे कम करंट है। तो जब चार्ज ज्यादा फ्लो करेंगे तो वहां पे करंट ज्यादा होगा, जब चार्ज कम फ्लो करेंगे तो वहां पे करंट कम होगा। अब करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो खुद तो स्केलर है, कैसी है, खुद तो स्केलर है लेकिन मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करती, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई ये क्या है, कैसे है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर थे, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं वही डायरेक्शन ऑफ करंट मानी जाती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ऐसा कहा जाता है। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन एज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या कि आप पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट को कंस्टिट्यूट कर लो, या कि निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को मान लो। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट करंट होगी, या कि आप मान लो कि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में
करंट होगी। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट वन कूलम ऑफ चार्ज। भाई एक कूलम चार्ज अगर आपको बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? तो भाई क्यों कितना चाहिए? वन कूलम, एक कूलम चार्ज हमें आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है भाई एक कूलम चार्ज की? नंबर ऑफ चार्जेस चाहिए। कितने चाहिए? नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल के रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ये सबको मालूम है। मैंने अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया Q इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया। इस फॉर्मूले में आप यहां पे देख लो भाई कि आपको क्या Q मालूम है, तो हाँ मालूम है कि 1 कूलम है। N मालूम है? नहीं मालूम है, तो N को N ही रख दो। E मालूम है क्या? E मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज, ये आपको मालूम है कितना? 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। यहां से क्या N नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है सर, क्यों नहीं निकाला जा सकता? N कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10^-19। तो ये जब ऊपर जाएगा 10^-19 तो ये खुद तो पॉजिटिव होगा, 10^19 और डिवाइड बाई कितना है? 1.6। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 6.25 × 10^18, और ये कोई कूलाम नहीं है, ये नंबर है। क्या है भाई? नंबर है। तो 6.25 × 10^18, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए। यानी कि वन कूलाम चार्ज इज नॉट अ लेस क्वांटिटी, इट इज अ ह्यूज क्वांटिटी। कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भाई? इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई एक कूलाम चार्ज के लिए। तो एक कूलाम चार्ज भी क्या है? एक बड़ी क्वांटिटी है। तो छोटी क्वांटिटी क्या होती है? मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम। मिली कूलाम मतलब एक कूलाम के क्या कर दो? 1000 हिस्से कर दो। और एक माइक्रो कूलाम मतलब एक कूलाम के 10^6 हिस्से कर दो, तो क्या आ जाएगा? एक माइक्रो कूलाम आ जाएगा। तो ये हो गया भाई। अब यहां पे अगर बात की जाए, अ टीवी सेट्स शूट आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द बीम करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। यहां पे आपको सीधा सा गिवन है, ये करंट है। करंट कितनी भाई? 10 माइक्रो एम्पियर। तो करंट कितना है भाई? 10 माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो का मतलब होता है 10 × 10^-6 एम्पियर। क्या बात समझ में आ रही है आपके? 1 माइक्रो एम्पियर मतलब होता है 10^-6 एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर है। तो आप टाइम कितना भाई? टाइम तो है 1 सेकेंड, यानी पर सेकेंड, ईच सेकेंड की बात करिए टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड। आपसे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो I इज इक्वल टू, सबको पता है, Q/T। बच्चे बच्चे को ये फॉर्मूला भी याद हो गया है कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। अब ये भी आपको मालूम है कि जो Q होता है वो तो Ne होता है, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Ne/T। अब I कितना है? तो I तो यहां से 10 × 10^-6 है, इज इक्वल टू N कितना है? तो N तो हमें निकालना ही है। E कितना है? 1.6 × 10^-19 और डिवाइड बाई 1। तो यहां से जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये तो इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 10^-6 डिवाइड बाई 1.6 × 10^-19। समझ में आ रही बात? अभी मैंने बताया कि अगर 1 से इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे थे तो कितना आता था? अगर 1 से हमने डिवाइड किया था एक कूलाम में, तो 1 डिवाइड बाई दिस क्वांटिटी कितनी आई थी? 6.25 × 10^18 कितना? 10^18 ये आया था। ऊपर इतना ही तो एक्स्ट्रा है, तो इसको लिख दो भाई, कितना आ जाएगा? इंटू 10
इंटू 10 की पावर -6। तो ये है कि 6 में एक घट गया तो ये -5 आ गया। ये कितना हो गया, ये 10 6 है ना, और एक घट गया तो कितना आ गया -5। और 18 में 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 6.25 × 10 की पावर 13 फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, चाहो तो आप याद रखो कि 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू ये आती है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। इसमें करंट गिवन है, इसमें टाइम गिवन है, और आपको निकालना है कि कितना क्यू है। क्यू की वैल्यू निकालनी है, I = Q/T, ये फॉर्मूला होता है। तो Q = कितना हो जाएगा, I × T। I आपके सामने 5 एम्पियर है, टाइम को आप 15 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेना और बस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सही है, कमेंट करना है भाई, कमेंट करना इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 1 एम्पियर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो अभी मैंने बताया था 6.25 × 10⁻¹⁸ कूलाम जो है, देखो 1 एम्पियर मतलब क्या होता है, 1 कूलाम / 1 सेकेंड, यही तो होता है भाई। ये क्या बोला है, 1 एम्पियर करंट है 1 सेकेंड में, तो कितना कूलाम चार्ज होना, तो 1 कूलाम चार्ज होना, और 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 × 10⁻¹⁸। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलाम = देखो I = क्या होता है, Q/T। ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई एमसीक्यूज में। तो आई क्या है, 1 एम्पियर, क्यू क्या है, 1 कूलाम, और टाइम क्या है, 1 सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या है कि 1 कूलाम चाहिए, तो 1 कूलाम लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, 1 एम्पियर × 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर × 1 सेकेंड जहां देखे वही करेक्ट आंसर है, तो 1 एम्पियर × 1 सेकेंड ये दिख रहा है, यही क्या है इसका आंसर है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, एक कोई चार्ज बॉडी है, दूसरी बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो हो सकता है कि दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो, या हो सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज हो। ठीक है जी, तो ये आप ऑप्शन याद रखना। इसके बाद है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट करंट इन अ मेटल वायर, तो मेटल वायर में करंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने बताया था, या कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ले लो, या निगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन को ले लो। तो कहां पे है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल गलत है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम, इससे तो लेना देना नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। अगला एक पढ़ लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे भी लेना देना नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से लिया गया है, डायरेक्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो करंट कितना है भाई, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को समझो कि I = कितना है, 0.5 एम्पियर। ये करंट है जो कि, देखो अगर आप लिखा ही है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो I = 0.5 एम्पियर। ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, मिनट क्या है, टाइम ही तो है, तो टाइम कितना हो गया 10 मिनट्स, टाइम कितना हो गया भाई 10 मिनट्स। पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्यू की वैल्यू बतानी है, और अभी तक में हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि I = क्या होता है, Q/T। अब जब ये I = Q/T हो गया,
ये सभी बच्चे को मालूम चल गया, तो ये भी मालूम है बच्चे को कि हमें निकालना है क्यू, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। अब बच्चा क्या करेगा, क्यू लिखेगा ऐसे, आई की वैल्यू लिखेगा 0.5 और वो टाइम की जगह पे 10 मिनट लिख देगा और आंसर उसका गलत हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या है, 10 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 10 मिनट यानी कि 10 into 60 ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट। क्यों कर रहे भाई, क्योंकि जो करंट आई अगर एम्पियर में है तो चार्ज आपका कूलाम में अगर चाहिए तो टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मन में आया दे, एसआई यूनिट में फोकस करना है। जब भी कभी बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व करे उसको एसआई यूनिट फोकस करके ही सॉल्व करना है। 0.5 का मतलब होता है हाफ, और हाफ को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आ जाएगा और 6 × 5 = 30, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 × 5 = 30 मतलब 300, और कूलाम है तो क्या आ जाएगा भाई, चार्ज है तो क्या आ जाएगा, कूलाम। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सो आई होप ये आसान सा क्वेश्चन, बहुत मतलब मैंने टाइम लेके सॉल्व किया, हालांकि ये जो अच्छा बच्चा है उससे तो अच्छा बच्चा कौन है, कोई अच्छा बच्चा नहीं जो पढ़ाई करेगा, वही अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा नहीं, अच्छे बच्चे सभी हो आप लोग, जो भी पढ़ाई कर रहे हो सारे ही अच्छे बच्चे हो। तो यहां से भी आंसर भी आपको दिख रहा है कितना है, 300 कूलम। अगला क्वेश्चन नहीं है, चलो भाई ये सिंबल आपको याद रख लेने हैं कि भाई सिंबल कौन कौन से हैं और कौन कौन से सिंबल आपको याद कर लेने हैं। देखो इलेक्ट्रिकल सेल, सेल में देखो एक पॉजिटिव हो गया और छोटा सा एक नेगेटिव इधर से, ये लाइन, ये सेल हो गया। अब ये एक सेल है, अब दो तीन सेल को मिला दिया तो एक बैटरी बन गई। ये प्लग की है ऐसे है, ये है, अगर ये ऐसा है तो इसे की बोलते हैं। अब की बेसिकली दो तरीके की, ऐसा नहीं है कि बटन है तो बंद बटन को अलग कुछ बोलेंगे, चालू बटन को कुछ और, ये की है। अब ये ओपन की है और इस पे अगर बीच में एक डॉट रख दे तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज्ड की। क्या हो जाएगी बेटा, क्लोज्ड की। तो ये हो गई क्लोज की और ये क्या हो गई, ओपन की। इसके बाद बात करते हैं हम, देखो ये ज्वाइंट वायर है, वायर को क्या किया है, ज्वाइंट किया है, और ये क्रॉस वायर है, यहां पे ज्वाइंट नहीं किया, या कि ऊपर से ले लिया या कि नीचे से ले लिया। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल है, बल्ब तो आपने देखा ही है। ये रेजिस्टेंस होता है, देखो ऐसे करके ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा इसको तार जैसा, रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, इसका कुछ ऐसा सिंबल भी रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर ए है, इधर इधर से एक वायर इधर चली गई, ये प्लस कर दिया, माइनस तो एमीटर हो गया। एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है भाई, तो एमीटर करंट का मेजरमेंट करता है, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं तो कम रेजिस्टेंस का वायर होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इसका बहुत ही कम होता है। इसके बाद बात करें कि वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करता है दो पॉइंट के बीच में। अब ये कैसे लगाया जाता है, तो ये पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में लगाना है मतलब कि करंट इससे कम से कम जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सारी चीजें बहुत कमाल की चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आती हैं, उस टाइम पे आपको हिट नहीं कर पाती। तो ये लेक्चर अगर आप लास्ट तक बहुत शांत मन से सुनेंगे, शांत मन ऐसा नहीं एक सो जाना है, मतलब एनर्जी के साथ सुनना है, तभी आपके लिए बेनिफिट है। और बेनिफिट कब होगा, जब इसको आप साथ में इससे नोट्स ही बनाओगे, नोट्स बनाओगे तभी आपको लॉन्ग टाइम तक रहेगा। इसका रिवीजन भी तो इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने देख लिया एक हफ्ते बाद वो फिर से गायब, तो उसको दो तीन बार रिवाइज कर लोगे तो ये एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भला है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ ही एरो निकले हैं, जैसे शक्तिमान टाइप का होता है ना, तो ये बाहर की तरफ एरो लगे हैं, यही क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ भी एरो निकले हैं, यही क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक कोई दूसरा चार्ज अगर रखो तो उसपे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि मान लो यहां पे हम एक लाए छोटा सा पॉजिटिव चार्ज,
और जैसे ही यहां पे रखा ये इधर भागने लगा, यानी कि आपको मालूम है कि इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक निगेटिव चार्ज लाया यहां पे ऐसे रख दिया, अब इस निगेटिव चार्ज में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा, यानी कि अगर कोई मूवमेंट नहीं आ रहा किसी भी निगेटिव चार्ज में या पॉजिटिव चार्ज में किसी स्पेस पे रखने पे, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यानी कि अगर किसी भी फील्ड पे कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रखो और वो कुछ फोर्स फील करे तो उसे क्या बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, किसी चार्ज की वजह से ही होगा। कोई बड़ा चार्ज होगा उसके पास क्या होगा, चारों तरफ उसके क्या होगा, एक फील्ड होगा, और उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी की डेफिनेशन यहां से आप पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया वही यहां पे समरी लिखी हुई है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज इक्वल टू बेसिकली होता है एफ बाई क्यू, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना फोर्स फील कर रहा है और कौन फोर्स फील कर रहा है, यानी कोई चार्ज, उसी चार्ज को डिवाइड करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ये फोर्स है, फोर्स का न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बहुत ज्यादा स्लाइड है अभी। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या बला है। देखो, अगर पोटेंशियल नहीं होगा किसी भी चीज पे तो फ्लो नहीं होगा, यानी कि फ्लो के लिए पोटेंशियल आवश्यक है। पानी का भी अगर फ्लो है चाहिए तो पोटेंशियल जरूरी है। अगर पानी का फ्लो है तो ऊपर से नीचे ऐसे ही पानी का फ्लो जाता है ना, छत टंकी से ही नीचे पानी आता है, नीचे से अगर ऊपर ले जाना है तो फ्लो के लिए एक्सटर्नल डिवाइस यानी मोटर लगाना पड़ता है। यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी क्या होता है, फ्लो होता है। अब पोटेंशियल का डिफरेंस का लिखना है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मान लो आप इस चीज को देखो, आप यहां पे कोई एक चार्ज है, अब इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे अगर एक पॉइंट ए है, यहां पे क्या है, एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है, तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से इधर ले आऊंगा, देखो सिंपल सा आप देखो, मान लो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ क्या है भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखेंगे, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज में यहां पे लाया और इस ए पॉइंट पे रख दिया, अब मेरा मन कर रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम मैं थोड़ा सा इसके नजदीक ले जाऊं और इस बी पॉइंट पे रख दूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कुछ वर्क करना पड़ेगा भाई। ये इस पॉजिटिव चार्ज पे इस साइड क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के इक्वल या उससे थोड़ा ज्यादा मुझे फोर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को इसी के चार्ज से डिवाइड कर दूं मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मिल जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसका नेचर पॉजिटिव है लेकिन खुद बहुत छोटा है, दूसरे को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। सो V इज इक्वल टू W बाई Q। V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड V। तो W क्या है, A से B तक अगर लाओगे तो कुछ काम करोगे और इस काम को इसी के चार्ज से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब ये वोल्ट जो है, अब आप खुद देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस वी है, वन वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब
वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और क्यू मतलब कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, यानी कि जूल पर कूलाम को ही क्या लिखते होंगे, वोल्ट लिखते होंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलाम। उसके बाद अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना है मान लो, तो कैसे बोलोगे आप? आप कहोगे कि 1 वोल्ट दो पॉइंट के बीच का वैसा पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पे 1 जूल के चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है तो 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। सो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि 1 कूलाम चार्ज को अगर दो पॉइंट के बीच मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है तो 1 जूल का काम अगर मैं करूं तो उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपका 1 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन। बहुत साधारण सा प्रश्न है। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया V इज इक्वल टू W बाई Q, इस फॉर्मूले की इतनी स्ट्रेंथ है कि इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले को आप बहुत ध्यान से एक बार देखो, और ये जो V है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज। तो यहां पे बोला है कि हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि कितना काम करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को जो कि 2 कूलाम का है, यानी कि चार्ज कितने कूलाम का है? 2 कूलाम का है। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, यानी कि V कितना है? 12 वोल्ट, तो कितना काम करना पड़ेगा आपको? ये फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपको W कितना मिल जाएगा? 24 जूल मिल जाएगा ना सभी को। अब इतना तो आप कर ही लोगे, V की जगह पे V रखना है, W की जगह पे कुछ नहीं रखना, W ही रखना, Q की जगह पे 12 रख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? W मिल जाएगा। आंसर को भी प्रकट करो भाई, आंसर नहीं प्रकट हो सकता। हाँ, ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है भाई। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस रखोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगी, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर व्हाइल टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर व्हाइल टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर तुम कॉन्स्टेंट रख देते हो तो जो पोटेंशियल जो करंट फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतने ही ज्यादा आपकी करंट फ्लो होगी, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या बोल रहा हूं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V ज्यादा तो करंट ज्यादा। अब देखो ये प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल करते हैं तो यहां पे कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसे बोलते हैं R, और R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहां के देखो एक एमीटर लगा हुआ है जो करंट का मेजरमेंट करेगा, ये सीरीज में लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप मेजर करने के लिए यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया, यहां पे बैटरी लगा दी, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, इधर से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा मीटर में, इसकी रीडिंग मेजर होगी, फिर इसे घूम फिर के इधर आ जाएगा। तो एमीटर क्या है? सीरीज में लगा है, और वोल्ट मीटर कैसा है? पैरेलल लगा है। वोल्ट मीटर पैरेलल लगा है यानी कि इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और एमीटर सीरीज में लगा है इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही जिसका हमें क्या करना है? पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है। अगर ग्राफ की बात की जाए तो जो ओम्स लॉ है उसका ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का होता है, ये नेचर आपको याद रखना है, दिस इज द आर। ठीक है जी, आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या बला है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है। जब कोई भी करंट
किसी भी सर्किट में फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है, तो वो एक अपोजिशन फेस करता है और उसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाई वर्चू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किससे बना है, चार्ज से बना है, तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है, मतलब कि उसके फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। ओम का जो सिंबल है कुछ ऐसा होता है, आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ओम हो गया, ओम ऐसे लिखते हैं आपको, ग्रीक लेटर ओम है। अब अगर V इज इक्वल टू आई आर आपने अभी जस्ट पहले देखा, तो यहां से R कितना आ जाएगा, V बाई आई, R कितना आ जाएगा, V बाई आई। अगर रेजिस्टेंस ओम है तो यहां से 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। अगर आप चाहो तो 1 ओम को आप डिफाइन भी कर सकते हो, देखो यहां पे 1 ओम इज इक्वल टू क्या है, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। R की जगह 1 ओम रख दिया, R V की जगह 1 वोल्ट रख दिया, I की जगह 1 एम्पियर रख दिया, तो यानी कि 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच अलाउ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। यानी कि किसी कंडक्टर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम। साधारण सी बात है, नोट्स बहुत शानदार हैं, बहुत मेहनत करके बनाया गया है, तो इस चीज को आप नोट कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, भाई ये डिपेंड भी तो करता है। तो मान लो एक वायर है, अब वायर बहुत पतली होती है भाई, अब ये वायर है, अब बोलोगे कि वायर थोड़ी है तो सिलेंडर है। भाई साहब जो वायर होती है वो भी सिलेंड्रिकली होती है, लेकिन आपको लगता है कि जो इसके डायमीटर है, दिस इज मोर लेस टू इट्स लेंथ, इसलिए हमें नजर नहीं आता, बट ये क्या होता है, सिलेंडर। तो करंट इधर से जाएगी, इधर से वापस आ जाएगी, इधर से जाएगी आई और इधर से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, एक्यूमुलेट तो होगी नहीं, अगर एक्यूमुलेट हो जाएगी तो इधर वाली अंदर नहीं जा पाएगी, और एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, यहां इकट्ठा होना, यहां अगर इकट्ठा होगी तो जाहिर सी बात है यहां से करंट आगे पास नहीं होगी। तो ये हो गया इसका एरिया, ये क्या है इसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू करंट की एंट्री होगी। ये क्या है इसका लेंथ है, ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ है, और ये क्या है एरिया है। कोई भी कंडक्टर है उसमें कुछ मटेरियल का नेचर होगा, मान लो नेचर है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि रो क्या बड़ा है। तो यहां पे कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। वायर की लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर बात करें, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एरिया और रेजिस्टेंस दोनों का जो रिलेशन है वो अपोजिट है। अब ये दोनों फॉर्मूले जब आपस में मिल जाते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, और बच्चे बच्चे को मालूम है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया है तब कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट को एड किया गया है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये जो रो है, रो तो हम डेंसिटी के लिए भी यूज करते हैं, बट यहां पे डेंसिटी नहीं है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे, दूसरा एरिया पे, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे, और चौथा क्या है, टेम्परेचर पे। ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज भी आता है, और डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा। ये बाकी की कहानी यहां पे लिखी गई है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, थोड़ा मैं इसको मिटा दूं आपके लिए थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। जो मैंने आपको लिखा यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है।
अब यहां पे अगर बात की जाए कि भाई ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, जैसे रेजिस्टेंस था वैसे ही रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी मटेरियल कितना किसी भी करंट को अपोज करता है वही क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब रो का ना तो एरिया से लेना देना है ना तो लेंथ से लेना देना है, ये कांस्टेंट है। और जो रेजिस्टिविटी है इसका लेना देना है सिर्फ मटेरियल से और टेम्परेचर से। अगर मटेरियल बदल दोगे रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, टेम्परेचर बदल दोगे रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, बाकी चाहे डायमेंशन कैसी भी रखो रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट रहेगी। यहां से अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका ओम, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या है मीटर, एक मीटर एक मीटर को खाएगा, ओम मीटर क्या आ जाएगा इसकी एसआई यूनिट। तो ये हो गया कि भाई कि कोई भी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इस चीज की यहां पे चर्चा हो चुकी है। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लिया जाए, बोलते बोलते क्या होता है गला एकदम से बंद होने लगता है। सो कुछ देर में आप थोड़ा रेस्ट कीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट ऐसा नहीं है सो जाना, भी रेस्ट होता है 60 सेकंड का, आपकी भाषा में 60 सेकंड और मेरी भाषा में भी 60 सेकंड का रेस्ट होता है। तो यहां पे ये क्वेश्चन देखो बेटा कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि 220 वोल्ट का एक सोर्स है, तो यहां से V कितना लिखा जा सकता है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, यहां से जो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब है वो कितना है 1200 ओम। आपसे पूछा है कि भाई करंट कितनी होनी चाहिए, तो करंट आपका क्या है फाइंड आउट करना है। अब बच्चे बच्चे को मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला सभी को मालूम है कि V is equal to IR, आपको निकालना क्या है I, तो यहां से I is equal to क्या हो जाएगा बेटा V by R। अब आपको क्या करना है, V की जगह V पे वैल्यू पुट करनी है, R की जगह R पे वैल्यू पुट करनी है, तो I is equal to कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 220, R की वैल्यू कितनी है 1200। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो ही जाता है। अगर मैं देखूं तो इसको 2 से कैंसिल आउट करूं तो ये 11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 11/60, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो 1.1/6, क्या इतना लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे ही जीरो कट आया यहां पर पॉइंट लग गया, तो यहां से आप फर्दर अगर आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 0. पॉइंट जैसे ही लगा तो यहां पे क्या बन गया ये 11, 11 से कितने टाइम 6 1 6, फिर कितना बचा भाई 5, कितना 6 5 11 ना 5 0, तो 6 से कितनी बार 6 8 48, तो ये आ गया 0.18 एम्पियर। ये क्या आ गया है, यही तो इस केस में पहले केस में करंट है। क्या बात समझ में आ रही, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, ये फॉर्मूले की हेल्प से आपको करंट मिल जाएगा। सेकंड केस आपको खुद सॉल्व कर लेना है। देखो यहां पे फिर पूछ रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, यहां पे बल्ब था यहां पे हीटर, हीटर है तो इसका पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये है आपका 100 ओम, ठीक है। तो यहां पे आपको करंट निकालना है, यही फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यूज को पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो निकल के आएगा 2.2 एम्पियर, कितना आएगा 2.2 एम्पियर, इससे पहले भी कितना आया था 0.18 एम्पियर। तो ये आंसर कितना निकल के आएगा बेटा, ये आंसर निकल के आएगा 2.2 एम्पियर। कैसे आएगा, इस वाले फॉर्मूले में V की जगह V रखोगे, R की जगह R रखोगे, I की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आई होप कि आसान सा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं फेस करोगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहां पे देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 60 वोल्ट। व्हेन करंट कितना ड्रॉस करते हैं, आई इज इक्वल टू कितना है
4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स. व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट. तो हीटर देखो अभी वी कितना है 60 है, तो करंट कितना है 4 एम्पियर. अगर ये वी तो वी को वी डैश लिख लो 120 हो जाए, 120 वोल्ट हो जाए, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो क्वेश्चन पूछा है. अब देखो आप ये क्या है, एक हीटर है, हीटर अगर एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई, सेम हो गया. रेजिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया. R इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, V बाई आई, और R तो क्या है कॉन्स्टेंट है, यानी कि V बाई आई दैट इज इक्वल टू V डैश बाई आई डैश. क्या इतनी बात समझ में आ रही सभी के, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो V कितना है बेटा 60, I कितना है, जब 60 भी है तो I कितना है 4, तो V डैश कितना है 120, तो I डैश कितना होगा यही तो आपसे पूछ रखा है. तो ये 60 से ये 2 टाइम्स हो गया और ये 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो I डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा 8 एम्पियर. तो करंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 एम्पियर. आंसर चेक कर लीजिए, 8 एम्पियर क्या है आपकी करंट आ गई. ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में देखते हैं. अब क्वेश्चन नहीं है, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या करता है वो मटेरियल या वो कंडक्टर जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो नहीं चाहता करंट का फ्लो हो. अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस दो तरीके से कंबाइन होते हैं, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. सीरीज के केस में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. तो ये पैरेलल के केस में है और ये सीरीज के केस में. पैरेलल सीरीज क्या होता है वो आपको हम डिटेल में बताएंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है. तो देखो हम आपको ये बता दें कि भाई पैरेलल और सीरीज पहचाने कैसे. तो जब बैटरी से करंट निकले, ये करंट निकली, करंट के तीन टुकड़े हो जाए, तो जब करंट के टुकड़े हो जाए भाई, करंट के क्या हो जाए टुकड़े, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा पैरेलल. तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो वो करंट इधर से अगर जाएगी तो वो कंफ्यूज होगी कि भाई यहां पे खड़े होकर एक बार सोचेगी कि इधर कितना जाए, इधर कितना जाए और इधर कितना जाए. तो जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगी भाई, जिसमें अपोजिशन कम होगा उसी में तो ज्यादा जाएगी, और जिसमें अपोजिशन ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होगी कम हो जाएगी. सीरीज का केस आप देखो, इसमें करंट यहां से निकलेगी, करंट को कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, पहले तो इस वाले R1 में जाएगी, फिर R2 में जाएगी, फिर R3 में जाएगी, फिर आएगी वापस ऐसे झूम नाच के. तो आप देखो यहां पे R1 के केस में यहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना है V1, यानी कि सीरीज के केस में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है बार बार. यहां पे V2 हो गया पोटेंशियल का ड्रॉप, और यहां पे क्या हो गया V3 हो गया पोटेंशियल का ड्रॉप. यहां पे इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या है फिक्स है, यानी कि जो पैरेलल होता है इसमें वी क्या होता है सेम होता है. हर इन दोनों पॉइंट चाहे इधर से जाओ तो वी सेम, इधर से जाओ वी सेम, इधर से जाओ वी सेम, बट जो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज है भाई, तो सीरीज के केस में क्या होता है वी क्या होता है डिफरेंट होता है. यहां पे वी क्या है V1 V2 V3, यहां पे जो टोटल पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, और यहां पे करंट क्या होगी कांस्टेंट होगी, यानी जो R1 में जाएगी करंट वही R2 में जाएगी, वही R3 में जाएगी, करंट चेंज नहीं होगी. यहां पे वी क्या होगा ये सेम होगा, यहां पे वी सेम हो गया तो जो यहां पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3. ये फॉर्मूले आपको जरूर याद रखना भी.
ठीक है जी। काम की बात यही है, देखो यहां पे ये देखो करंट निकली, ये बैटरी है, इस बैटरी से करंट ऐसे निकली, ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, इसमें जा रही, इसमें जा रही, इसमें जा रही, इसमें जा रही, फिर वापस आ रही। तो यहां पे देखो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप कुछ और होगा, ये पॉइंट, ये वाला पोजीशन और ये पोजीशन, इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप कुछ और होगा, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल का ड्रॉप कुछ और होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो ये इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें एक चीज तो मिल जाएगा कि भाई जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं भाई। देखो बच्चों यार ऐसे ही समझा जाता है, मजे लेके पढ़ाई करोगे तो बढ़िया रहेगा और टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा जो कितना होगा V1, यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा जो कितना होगा V2, और यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा यहाँ पे क्या होगा V3। जो ये करंट आई है वो इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी, और जा ही रही है। यानी कि यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 + R2 + R3, मैंने अभी आपको बताया। तो यानी कि यहां से R1 + R2 + R3 करूं तो ये 10 है, ये 30 है, और ये 20 है, 20 और 10 30, और 30 30 60, तो 60 ओम क्या हो गया भाई, इसका क्या आ गया, नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब आप बोलोगे करंट कितना आएगा, तो I = कितना हो जाएगा बेटा, सोचो I = V/R। आपको मालूम है V = IR से रिलेशन, तो V कितना है आपका 12, और आपका जो ये R आया वो कितना है 60, तो आपको मालूम चल गया 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 ना, तो ये 1/5 है, 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर, ये आ गई करंट। अब आपसे कोई पूछे कि भाई V1 क्या है, तो V1 करंट तो इसमें I होगी, और इस पे क्या है रेजिस्टेंस R1, तो ये हो जाएगा VR1, सॉरी एक मिनट, ठीक है, V = क्या होता है IR, V = क्या होता है बेटा IR, तो I क्या है फिक्स है, I तो बदल रही नहीं, तो I क्या है फिक्स है, R क्या है, R की जगह R1, यहां का रेजिस्टेंस क्या है 10 है, तो यहां से V1 कितना आ जाएगा 0.2 × कितना, R1 कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2, और वोल्ट। अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 क्या हो जाएगा IR2, अब ये V2 कितना हो जाएगा, I तो 0.2 ही है और R2 कितना है 30, ठीक है ना, तो ये देखो ये 10 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, कितना आएगा 2 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 3 × 6, 6 वोल्ट, कितना हो गया 6 वोल्ट ना भाई, 3 × 6 यही ना, ये 0 तो इसको पॉइंट को हटा देगा। अगर V3 यहां से आप निकालो तो V3 कितना होगा IR3, V3 क्या है, इस 20 ओम के रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप ही तो है V3, और जो कितना हो जाएगा V3, I कितना है भाई 0.2 और R3 कितना है 20, तो ये कितना आ गया 4 वोल्ट। अब आप देखो ये 2 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, 6 4 10 2 12, यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी, यानी आपको मालूम चल गया कि V = क्या है V1 + V2 + V3। छोटा सा एग्जांपल था लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा, अगर आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है ना। देखो करंट के अगर टुकड़े नहीं होते तो वो सीरीज, अगर करंट के टुकड़े हो जाए पैरेलल, बस इतना याद रखना, सीरीज पैरेलल में कभी कंफ्यूज नहीं होगी, अगर करंट के टुकड़े हुए तो पैरेलल, अगर टुकड़े नहीं हुए तो सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो फटाफट, ये देखो ये R1 है, इसमें पोटेंशियल V1 है, ये R2 है, V2 है, ये R3 क्या है V3 है, ये V वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है। R1 R2 एंड R3 आर द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, और I इज द करंट, I इसमें क्या होगी करंट होगी जिसमें फ्लो करेगी, तो I जो करंट है वो R1 में भी फ्लो करेगी, R2 में भी फ्लो करेगी और R3 में भी फ्लो करेगी, सीरीज ही बात है, सीरीज है, करंट अब चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर V1 की बात करें तो V1 क्या होगा भाई IR1, V2 क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा भाई IR2,
वी थ्री क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा भाई साहब आई आर थ्री, यही ना। अब आपको ही मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या है भाई, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अगर नेट रेजिस्टेंस R है तो, अगर नेट रेजिस्टेंस क्या है R है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। तो ये V वन क्या हो जाएगा आई आर वन, V टू क्या हो जाएगा आई आर टू, और V थ्री क्या हो जाएगा आई आर थ्री। भाई आप इस सर्किट को ऐसा भी तो बना सकते हो कि एक काम को, ये एक रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस R आ गया, और यहां पे एक बैटरी V लगी है, V वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे करंट अगर I फ्लो कर रही है, तो ये नेट रेजिस्टेंस अगर तीनों का मिला के रेजिस्टेंस R है, तो V इक्वल टू तो आई आर ही होगा, इस पे तो कंफ्यूज होना ही नहीं। तो इसीलिए मैंने V की जगह पे क्या लिख लिया आई आर, आई हर जगह से क्या हो गया कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो R निकल के आया वो कितना आ गया बेटा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बहुत ही साधारण सा इसका डेरिवेशन है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन। और अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो इससे न्यूमेरिकल भी हो जानी है, क्योंकि सीरीज है, इसमें करंट सेम रहेगी तो पोटेंशियल को ड्रॉप आएगा बार बार। क्या बोला मैंने, करंट सेम है सब में तो पोटेंशियल का बार बार ड्रॉप आएगा, और उसमें क्या होगा पोटेंशियल का ड्रॉप सेम रहेगा तो करंट अलग अलग आएगी, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, वो आपको याद रखना है कि द करंट इन ईच रजिस्टर इज द सर्किट इज सेम। इसमें क्या बोला, करंट इज सेम इन ईच रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट क्या होगी सब में सेम होगी। द नेट रजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी कि जितने भी रजिस्टेंसेस लगे हैं सभी को जोड़ दोगे तो नेट रजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि बात कर रहा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 की, एंड सो ऑन। अगर तीन रेजिस्टेंस है तो तीन बार ड्रॉप होगा, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा ड्रॉप होगा। इसे बोला नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ द कम्बिनेशन, यानी कि बोल रहा है कि अगर ये दो चार छह तीन रेजिस्टेंसेस हैं और तीनों अगर सीरीज में लगे हैं तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा इस बड़े वाले से तो ज्यादा ही आएगा, बड़े वाले से ज्यादा ही आएगा, किसमें सीरीज में। लेकिन अगर यही तीनों पैरेलल में लगे हैं तो छोटे वाले से कम क्या आएगा नेट रेजिस्टेंस, किस केस में पैरेलल के केस में, और सीरीज के केस में बड़े वाले से ज्यादा आएगा। तो ये सारी ट्रिक है, अगर आप मान लो क्वेश्चन कर रहे हो कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कॉमन सेंस की, भाई इतने से तो ज्यादा ही आएगा। भाई आपसे मान लो दे दिया दो चार छह, इसका बोला कि सीरीज में बताओ भाई नेट रेजिस्टेंस, तो जो दो से कम वाला आंसर होगा वही तो क्या हो जाएगा पैरेलल केस में आंसर हो जाएगा, जो छह से ज्यादा वाला होगा वही तो सीरीज के केस में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जब छह से ज्यादा बहुत सारे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखो पैरेलल करंट यहां से जारी, भी करंट का काम है जाना, यहां तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ। अब देखो यहां पे जैसे ही करंट आई तो कुछ करंट तो इधर जा रही कुछ इधर जा रही, आप देख पा रहे हो कि दो बार इधर जाती है, दो जो होते हैं ना दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, देखो आप बहुत अच्छे से, दो इधर जा रहे तब एक इधर आ रहा है, यानी कि इसमें अपोजिशन ज्यादा है तो इसमें करंट का फ्लो कम है, इसमें अपोजिशन कम है तो इसमें करंट का फ्लो क्या है ज्यादा है। देखो कितना बढ़िया डायग्राम है आपके सामने, आप देखो भाई कि इसमें कम करंट फ्लो हो रही है और उसपे ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, आप देखो बड़े ध्यान से इस डायग्राम को, बड़े ध्यान से पहले देखो, इसमें जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है ना इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसमें करंट कम फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो यही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है 9 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ रही, अगर मैं इसका नेट रेजिस्टेंस निकालू तो 1/R करूंगा तो 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं, अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल के केस में, तो इसका एक छोटा शॉर्टकट होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2।
यानी कि अगर इससे बात करें तो R1 R2 कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 डिवाइड बाई, इसको ऐड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा भाई, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, पांच से तो ये चार बार आएगा, तो चार तिया 12, तो 12 ओम रेजिस्टेंस इसका आना चाहिए। इसके हिसाब से इधर भी चेक कर लो एक बार, तो ये आ गया 1/20, ये आ गया 1/30, एलसीएम निकल के आया 60, तो 20 से तो तीन बार जाएगा और 30 से दो बार जाएगा, तो ये आ गया 1/r दैट इज 5/60, तो ये पांच से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 12, तो यहां से नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 12 ओम। तो ये परेशान नहीं होना, ये शॉर्टकट भी आपको याद रखना है, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इससे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यही वर्ष रिजल्ट देगा, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, इससे भी रिजल्ट आ जाएगा, बस आपके लिए शॉर्टकट है भाई। क्या है? शॉर्टकट, ठीक है। अब आपसे पूछ, अगर मैं पूछूं कि भाई इसमें करंट बताओ, आप करंट कितनी होगी, तो V इज इक्वल टू आई आर, V कितना है 9 है और I आपको निकालना है, R कितना आया है 12, तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये तो तीन बार जाएगा, ये तो चार बार जाएगा, तो I कितना आ जाएगा 3/4, और 3/4 तो सभी को मालूम है 0.75, ये तो होता है 3/4, तो 3/4 एम्पियर यानी कि 0.75 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया, क्या गया करंट। तो इसमें कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी, भाई दो और तीन जोड़ दो तो पांच आ जाएगा, वो तो अलग तरीका है, मैं थोड़ा आसान तरीके से आपको बता देता हूं। तो इसके बीच का पोटेंशियल तो सेम है भाई, तो V क्या है, सेम है, यानी कि 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके बीच का रेजिस्टेंस 20 इंटू, इसमें करंट मान लो I1 है, इस वाले में 20 ओम वाले में I1 है, तो यहां से I1 आ जाएगी, और 30 वाले में अगर I2 है तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू I2, V इज इक्वल टू IR ना भाई, तो V तो दोनों केस में क्या है 9 है, समझ में आ रहा। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो करंट की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, दिक्कत क्या है कि आप लोग मेहनत करते नहीं हो, क्लास में सुनते नहीं हो, और फिर बाद में वही कि कहां से जुगाड़ हो जाए। तो देखो आप जब भी आप पढ़ाई करें तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई आपके सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं होगी, सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब होता है कि क्लास में बैठ के चुपचाप सुनना, और जो आपने सुना है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, घर में आओ तो रिविजन कर लो, फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता। लेकिन होता क्या है आज के टाइम पे, बच्चे क्या होता है कि क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर आया सुनते नहीं है, और टीचर क्या करे बेचारा, वो भी मजबूर, उसका भी काम दिया कि पढ़ाना है, अब बच्चे सुने या ना सुने उसको कैसे भी करके चुपचाप करवा के पढ़ाना है, अब वो पढ़ाए जा रहे। तो देखो कहीं से भी किसी से भी पढ़ो, लेकिन बेहतर पढ़ो, क्योंकि तो अगर आप आज अच्छा नहीं पढ़ रहे, अगर आप टेंथ की पढ़ाई टेंथ में नहीं पढ़ रहे हो, तो ये टेंथ की पढ़ाई कभी ना कभी तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव को कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है या IIT जाके इंजीनियर बनना है, तो ये टेंथ की पढ़ाई बेटा कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये ट्वेल्थ में जाके पढ़नी पड़ेगी, ट्वेल्थ में नहीं पढ़ोगे तो जाके JEE या NEET की प्रिपरेशन में पढ़नी पड़ेगी, और जब वहां पढ़ोगे तो ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी, क्योंकि वहां इतना इनडेप्थ आपको कोई नहीं समझाएगा, वहां पे ऐसे चिल्लर क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन टेंथ के स्टार्टिंग में ऐसे चिल्लर क्वेश्चन तो आते हैं ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है भाई, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, आप अपने पेरेंट्स के सपने हो, क्योंकि जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों को वो बनना वो बनते हुए देखना चाहता है जो वो खुद नहीं बन पाता, ये बात आप समझो। और इसी के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, सारे तरीके के त्याग करते हैं, उसके बावजूद भी जब बच्चे नहीं पढ़ते तो आप समझो कितना दर्द होता होगा। आप कोई भी कोशिश करो, प्रयास करो, और आप उस चीज में सफल ना हो, कितना दुख होता है। तो पढ़ाई तो बेहतर करनी पड़ेगी। तो चलो बढ़ते हैं अगले
पड़ाव में, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बोला कि करंट के टुकड़े हो जाएंगे, तो ये करंट आई था, आई क्या, आई वन, आई टू और आई थ्री, ठीक है। तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहां पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तीनों का क्या है, सेम है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, V इज इक्वल टू आई वन आर वन, यही ना भाई, आर वन भी अलग है आर टू भी अलग। तो यहां से अगर मैं आई वन निकाल लू तो ये कितना हो जाएगा, V बाई आर वन। तो ऐसे ही अगर मैं आई टू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, V बाई आर टू। अगर ऐसे ही मैं आई थ्री निकालू तो ये कितना हो जाएगा, V बाई आर थ्री। और बच्चे बच्चे को मालूम है कि जो करंट आई है इसी के तीन टुकड़े हुए हैं, यानी कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दे तो V इज इक्वल टू आई आर होता ही है, बच्चे बच्चे को मालूम, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यहां से आई वन कितना है आपके सामने, V बाई आर वन, आई टू कितना है, V बाई आर टू, और आई थ्री कितना है, V बाई आर थ्री। ऊपर हर जगह V दिख रहा है तो V से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा वन बाई आर, तो ये बन जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। और यही क्या होता है, रिजल्ट आता है किसमें, पैरेलल में। तो भाई पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। और ये दो पॉइंट के बीच का, ये ए है और ये बी, जब दो पॉइंट के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो उसे बोलते हैं हम पैरेलल। ये भी आपको याद नहीं रखना, आपको एक ही चीज याद रखनी है, अगर करंट के टुकड़े हो रहे हैं तो पैरेलल, और करंट के टुकड़े अगर नहीं हो रहे तो सीरीज। आगे बढ़ लेते हैं और कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो जो ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस ही क्या होगा, कम होगा। मैंने अभी बताया था दो चार छ आठ, अगर ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं चार, इनको आप पैरेलल कंबाइन करते हो तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो दो से क्या आएगा भाई, कम आएगा। यही बोल रहा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि वन बाई आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। करंट क्या होगा भाई, करंट तो जाहिर सी बात है क्या होगी, अब देखो इसमें ये कह रहा है कि जो करंट होगा, V इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा है, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। अब V तो क्या है, फिक्स है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें करंट सबसे कम होगी, और जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा होगी, यही मतलब है बस, ठीक है। और टोटल करंट क्या होगा, सम ऑफ द करंट इन ऑल ब्रांचेस, यानी कि सब में अगर करंट, मान लो तीन ब्रांच है, एक में आई वन जा रही करंट, दूसरे में आई टू जा रही, तीसरे में आई थ्री जा रही है, तो अगर टोटल करंट कितना होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। वी तो क्या है, सेम ही है, ठीक है, तो वी के लिए तो टेंशन लेनी ही नहीं है। देख भाई ये डायग्राम आप देखो, देखो ये पैरेलल सर्किट है, एक निकाल दिया दोनों आराम से जल रहे, सीरीज में एक ही निकाला बाकी के दोनों ही बंद हो गए। इसीलिए हमें घरों में क्या यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट, कि एक भी अगर बल्ब काम ना करे तो बाकी तो काम करते रहे। देखो एक काम अगर ना करे तो बाकी दो तो चलते रहे, यहां पे जैसे ही एक बंद हुआ बाकी पूरा सर्किट क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो इसीलिए क्या यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट यूज करते हैं, समझ में आ रही बात। पैरेलल सर्किट में देखो नेट रेजिस्टेंस अगर कम आता है तो जाहिर सी बात है करंट भी ज्यादा आएगी, और इसमें नेट रेजिस्टेंस ज्यादा आता है तो करंट इसमें कम आएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है। इसके बाद देखो भी क्वेश्चन है, इसका डायग्राम अवेलेबल है, देखो देखो भाई एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये लैंप दिख रहा है आपको, जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक रेजिस्टेंस है अलग से जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम,
दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं आपको दिख रहा है, तो अगर इनका नेट रेजिस्टेंस देखा जाए, देखो करंट अगर इधर से जाएगी आई तो इसमें भी जाएगी और इसमें जाएगी, करंट के टुकड़े नहीं हुए तो यानी कि सीरीज है। और नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 + 20 तो हो गया भाई 24, 24 ओम। ये क्या आ गया नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन क्लियर हो गया 24 ओम। पूछ रहा है करंट, करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में करंट, तो V इज इक्वल टू आई आर, करंट कितनी हो जाएगी, तो V इज इक्वल टू आई आर से आपको मालूम है कि V कितना है भाई, तो V कितना है 6 वोल्ट, तो ये हो गया 6, और I तो आपको निकालना है रेजिस्टेंस है 24, तो 6 × 24, तो ये जो करंट आ गई 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर, ये क्या आ गई, करंट आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस लैंप और अक्रॉस कंडक्टर, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस लैंप, लैंप कौन सा भाई, लैंप तो ये है, तो लैंप के अक्रॉस अगर निकालना है तो इसमें फ्लो होने वाली करंट जो कितनी है 1/4, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 20, तो ये कितना आ गया 5 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 5 वोल्ट। इसका पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालना है तो देखो टोटल तो 6 है, 6 में 5 घटा दिया तो 1 आ गया, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर क्या हो जाएगा, करंट जो कि कितनी है 1/4, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर कितना आ गया 1 वोल्ट। तो देखो आसान से क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बढ़िया है तो क्वेश्चन तो आपसे ये चुटकियों में हो जाएंगे। देखो भी आंसर देख लो, ये 24 आ गया नेट रेजिस्टेंस, 0.25 एम्पियर करंट है, और 5 वोल्ट और 1 वोल्ट क्या है बैटरी, सॉरी पोटेंशियल का ड्रॉप लैंप के क्रॉस कितना है आपका, कितना दिखा अभी 5 वोल्ट, और कंडक्टर के क्रॉस कितना है, तो ये है 1 वोल्ट। तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न था और ये प्रश्न आपसे हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन बन रही है। तीन रेजिस्टेंस है, R1 है और R2 है और R3 है। R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू 10 है और R3 की वैल्यू 30। तो R1 कितना है भाई, ये है आपका 5 और ये कितना है 10 ओम, और ये कितना है भाई, तो ये है आपका 30 ओम। बैटरी जो लगी है उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट जो कि सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट बताना है, टोटल करंट बताना है और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। देखो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस के लिए हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो 1/R दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जिस तरीके से ये भी तरीका है, बाकी बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट आप यहां से पहले क्या निकाल लो, करंट निकाल लो और उसके बाद भी रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, और यहां से इंडिविजुअल करंट निकाल के ऐड करके टोटल करंट आ जाएगा, और टोटल करंट आने के बाद डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। तो 1/R देखो भाई, R1 कितना है, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 5, 10, 30। एलसीएम की अगर बात करें तो भाई 30 एलसीएम हो जाएगा, और जब 5 से करेंगे तो 6 बार आ जाएगा, और जब 10 से करेंगे तो ये 10 से 3 बार, और यहां से जब हम इससे करेंगे तो ये 1 बार। देखो 5, 6 का 30, 10 से 30, और ये आ गया 6, 3, 9, 1, 10, तो ये हो गया 10/30, तो ये आ गया कितना 3, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो नेट रेजिस्टेंस में सी वाला ऑप्शन था वो करेक्ट हो गया, सॉरी सी वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व हो गया है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है 3 ओम। टोटल करंट बाद में निकाल लेते, टोटल करंट भी निकाला जा सकता है V इज इक्वल टू आई आर से, किससे निकाला जा सकता है V इज इक्वल टू आई आर से। V कितना है, देखो V इज इक्वल टू आई आर से करंट भी निकाला जा सकता है। V आपका कितना है 12, I आपको निकालना है, रेजिस्टेंस आया है 3, तो 3 से 4 बार किया, 3 × 12,
तो ये करंट आ गया आपका 4 एम्पियर, यानी कि 4 एम्पियर क्या आ गया यहां पे करंट आ गया। अगर इस पे करंट आप देखो तो वही V इज इक्वल टू आई, और सबका V क्या है 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 5 इंटू आई, और I की जगह क्या लिख सकते हैं I1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2.4, किसमें आ जाएगा 5 ओम में 2.4 आ जाएगा। आई टू कितना आ जाएगा, देखो 12 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस सेकंड में कितना है 10 इंटू आई टू, तो यहां से आई टू कितना आ गया 1.2, आई थ्री कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 30 इंटू आई थ्री, तो यहां से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये देखो 6 से 2 बार और ये 5 बार, 5 से किया जब इसको तो आई थ्री कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 0.4, तो 1.2 1.4 और कौन सा आया था अभी 2.4, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये कितना बन जाते हैं 3 बन जाते हैं क्या, तो ये कितना बन जाता भाई 3, कहां भाई 3 3 नहीं 3 नहीं भाई 4 एम्पियर है ना, 4 बनाना ना, 2.4 0.4 और 1.4, ये I1 है ये I2 है और ये I3, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान सा प्रश्न है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, इसमें देखो ये दोनों क्या है पैरेलल है और ये तीनों भी क्या है पैरेलल है, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा मान लो आर डैश आ गया और इसका रेजिस्टेंस आर डबल डैश आ गया, ये दोनों किसमें हो जाएंगे अब सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा सर्किट बनेगा, सॉरी यहां पे तो क्या है एमीटर लगा है, यहां पे ऐसा और यहां पे ऐसा। देखो बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि भाई सर तो ये तो मुझे पैरेलल लग रहा है, आप बोल रहे हो सीरीज है, तो कोई टेंशन नहीं, यहां से करंट की एंट्री करवाओ, ये करंट ऐसे जाएगी घूम के इधर आएगी घूम के इधर ऐसे घूम के इधर आएगी, करंट का एक भी टुकड़ा नहीं हुआ, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस आएगा और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे भाई सीरीज में होंगे, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स हीटिंग क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल हीटिंग क्या होता है। तो जब किसी भी वायर में हीट क्या मतलब करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल हीटिंग। सो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वायर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल हीटिंग। यानी कि जब किसी वायर में मान लो ये वायर है इसमें करंट फ्लो करी तो इसमें क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वही किसकी वजह से हो रही है, इसमें करंट की वजह से हो रही है और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है ये हीट किस पे डिपेंड करती है, तो ये जो हीट है दिस इज द स्क्वायर ऑफ करंट, तो जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें फ्लो होने वाली हीट। ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो ये जो वायर है इसका कुछ रेजिस्टेंस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगी, और ये जो करंट है कुछ टाइम तक फ्लो होगी तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एट विच करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, तो यहां से अगर इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहां पे जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1। ये देखो आप आई स्क्वायर आर टी, अब बच्चे बच्चे को ये मालूम है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहां पे जो I दिख रहा है इसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसको V बाई आर, तो अगर मैं इस I की जगह पे ये जो I है ना इसकी जगह पे
मैं वैल्यूज पुट करूं तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक r से तो एक r क्या हो गया, गायब हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आता है v स्क्वायर बाई r इंटू टी। एक बार के लिए मैं तो इस r को भी रिप्लेस कर देता हूं, तो r को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो v डिवाइड बाई i लिखूंगा, r की जगह क्या लिखूंगा, v डिवाइड बाई i। तो यहां से जो h का एक और रिलेशन आता है वो आता है v i t। तो जो उसमें हीट होती है वो तो होती है, तो हीट आता है आपका जो h है वो आएगा आई स्क्वायर आर टी, यही आता है v स्क्वायर बाई r इंटू टी, या यही हीट आता है v i टी। तो ये अलग अलग तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को कंबाइन करके मैंने यहां पे आपके सामने लिख दिया। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ एग्जांपल है, ये चीजें आपने देख रखी है। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, बढ़िया देसी फ्यूज है, गांव वाम बढ़िया यूज करते इसको। ये है आयरन, आयरन तो आप जानते ही हैं, कपड़ा को प्रेस करने वाला। ये होता है रूम हीटर, रूम हीटर भी किस पे डिपेंड करता है, किस पे है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। बाकी इसे वाटर हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, तो बहुत सारी ऐसे एग्जांपल हैं जो किस पे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये डेरिवेशन है इसका, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, जिस रेट से हीट फ्लो होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम पावर। तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ हीट फ्लो, जिस रेट से हीट फ्लो होती है उसी को क्या बोला जाता है, पावर। सो द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस रेट से एनर्जी का लॉस होता है। अब ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, लॉस यानी कि अगर यहां पे लॉस हो रहा है तो किसी ना किसी को क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि एनर्जी तो क्या है, कंजर्व होगी। एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो या कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। आप यही याद रखो, रेट ऑफ हीट फ्लो, द रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ हीट कंज्यूम्ड आर डिलीवर्ड आर डेसिपेटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब ये रेट है तो जाहिर सी बात है भाई, पावर जो है वो क्या होगा, एनर्जी बाई टाइम या कि हीट बाई टाइम। यानी कि आपने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, आपने हीट का फॉर्मूला क्या लिखा है, आई स्क्वायर आर टी, इसमें टी से डिवाइड कर दिया तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया। एक और फॉर्मूला आपने लिखा है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इसको भी टी से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तीसरा क्या लिखा है, वी आई टी डिवाइड बाई टी, क्योंकि पावर निकालना है तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया। क्या बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां से आप देखो, पावर इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या है, अरे क्या लिख दिया मैंने, एनर्जी बाई टाइम है। क्या है, एनर्जी बाई टाइम। तो यहां से एनर्जी क्या आ जाएगा, एनर्जी जो आएगी वो आएगी पावर इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है कि जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है दैट इज पावर इनटू टाइम। अब आपको मालूम है, देखो कि भाई जो हमने पावर लिखा था वो लिखा था एनर्जी बाई टाइम। तो पावर की जो यूनिट होती है वॉट होती है, तो अगर पावर को वन वॉट लिखूं, एनर्जी को वन जूल लिखूं, टाइम को वन सेकेंड लिखूं, तो वन वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वन जूल बाई वन सेकेंड। तो वन वॉट पावर क्या होगा, जब क्या होगा, वन जूल एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, वन वॉट पावर। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हर सेकंड एक जूल एनर्जी खाता है तो क्या उसमें पावर कितना है, वन वॉट। ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो इन फॉर्मूलों को भी आपको क्या करना है भाई, याद रखना। इस चीजें थोड़ी सी एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं पावर के, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, तो पावर यहां पे आप देख सकते हो वी आई।
आई स्क्वायर आर टी है वी स्क्वायर बाई आर, 1 किलोवाट दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 1 वाट दैट इज 1 वाट, ये क्या लिखा भाई 1 वाट, ये 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये 1 वाट पावर है भाई वाट, और ये क्या आ गया है 1 एम्पियर, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ये भी होता है, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 हर्ट्ज पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, अब देखो यहां पे जो फॉर्मूला है 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर जो लिखा है, ये ऐसा क्यों है भाई, क्यों है ऐसा? तो आप अगर आप देखो तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वोल्ट क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई, क्या होता है भाई W बाई क्यू ना, यही ना। और यहां से अगर आप देखो तो ये क्या होता है एम्पियर, करंट क्या होता है, करंट होता है क्यू बाई टी, तो ये क्या हो गया क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो W बाई टी आ गया, ये क्या है वर्क, या वर्क है एनर्जी, और ये क्या है टाइम, तो W बाई टू टी आ गया, तो ये क्या हो गया 1 वॉट। तो ऐसे चीजों को सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो। चलो भाई 100 जूल आर प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो 100 जूल ये क्या है भाई हीट है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 4 ओम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो आपसे पूछ रहा है कि V कितना होगा आपको बताना है। आपको मालूम है कि H इज इक्वल टू क्या होता है V I T, H कितना है 100, V कितना है भाई 4, 4 ही तो है नहीं, V तो हमें निकालना है, I कितना है 4 V इंटू 1, तो यहां से V जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। फॉर्मूले में तो रखना है वैल्यू इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं भाई 20 कहां से आ गया भाई, 20 नहीं होगा ये 25 होगा, कितना होगा 25 भाई, 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 25 ही तो आएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट इज 0.5 एम्पियर, वॉट इज द पावर, ये एम्पियर में कैपिटल ए कर लेना आप, तो ये जो वोल्ट है वो कितना है 220 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप है, करंट कितना है भाई, तो करंट 0.5 एम्पियर, आपसे पूछा है कि पावर कितना होगा, तो P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, V कितना है आपका 220 और I कितना है 0.5 को बेसिकली आप लिख लिया करो 1/2, हाफ होता है ना, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आ गया 110 वॉट, तो यहां से पावर कितना आ गया आपका 110 वॉट। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, ये क्वेश्चन है आपका आंसर भी, ये क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है, इसके बाद है एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो कि हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत कमाल के क्वेश्चन है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।